आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव वेरिएबल इनफिनिट की इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग पहले डायग्राम बनाते हैं तो मान लेते हैं कि ये जो है ये है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस ठीक है जहां पे हमारे पास जो पहला लेंस है ऑब्जेक्टिव वो क्या होता है वो एक बहुत छोटा अपर्चर का लेंस होता है ठीक है और कनकेव लेंस होता है ओके okay. और फिर हमारे पास जो होता है हमारे पास एक आई पीस होता है विच इज अ वेरी बिग लेंस ठीक है जिसका एपर्चर काफी बड़ा होता है और ये भी जो है कन्केव अः कन्वेक्स लेंस होता है ठीक है और हम लोग क्या करते हैं अब इसमें सारे चीजें लेबल कर देते हैं कि हमारा जो ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है ये जो है हमारा आई पीस है इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको हम लोग को निकालना है और इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये जो है दिस इज फोकल फोकल लेंथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव दिस इज ऑफ ऑब्जेक्टिव और हमारे पास ये जो है दिस इज फोकल लेंथ ऑफ एंड दिस इज फोकलो फोकल लेंथ ऑफ हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ को छोटा लेते हैं कंपेयर टू आई पी का फोकल लेंथ और हमारे पास जो इमेज होता है सॉरी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लोग फोकल लेंथ के पीछे प्लेस करते हैं समवेयर बिटवीन एफ एंड टू एफ तो इससे हमें क्या मिलता है इससे हमें एक इन्वर्टेड बट रियल इमेज मिलता है बियॉन्ड टू एफ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ठीक है तो मान लेते हैं अगर ये एफ है तो दिस इज आवर टू एफ ऑफ ऑब्जेक्टिव तो इसका इमेज पे बनना चाहिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं हम लोग रेस को कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा एक रेज आता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस and it passes through the objective of the uh, sorry focal length focus of the objective lens ठीक है और दूसरा ray जो है that goes through the center of the center of the lens ठीक है तो center of the lens के through pass होके ये जो है कहीं ना कहीं पे इधर कट करता है ठीक है तो हमारा रे जो है ऐसे ट्रैवल कर रहा है तो इसका ऑब्जेक्टिव का इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा है ऑब्जेक्टिव का इमेज जो है वो इधर form हो रहे सो दिस इज द रियल इमेज एंड दिसवर्टेड इमेज एंड थोड़ा सा मैग्निफाइड इमेज है कम्पेयर टू आवर ऑब्जेक्ट तो ये जो है ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव सॉरी इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव दिस सर्व एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द आई पीस ठीक है अब आई का हम लोगों ने क्या लिया था फोकल लेंथ काफी बड़ा लिया था तो हमारा जो ये ये जो इमेज बना ऑफ द ऑब्जेक्टिव दिस इज समवेयर प्लेसड अकॉर्डिंगली ताकि वो जो है हमारा जो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन रहा है आई पीस ठीक है तो इसके लिए क्या बनेगा अभी आप देख पा रहे हो कि ये जो है फोकल लेंथ से छोटा है मतलब इसका जो है वर्चुअल इमेज बनेगा और कहा पे और बहुत ज्यादा मैग्निफाइड इमेज बनेगा तो ये जो रेज इधर आके ट्रैवल किया इसके बाद ये कैसे ट्रेवल करेंगे इसके बाद दिस इस ट्रेवल दिस गेट डेविएटेड एंड दिस गेट ट्रेवल कुछ इस तरह से ठीक है और हमार, हम जो है इस साइड आईपीस के इस साइड अपना आंख रख के देख पाते हैं तो हम लोग इस ऑब्जेक्ट का इमेज पे देख पाएंगे इसके लिए हमें क्या करना है हमें बस इन दोनों रेस को पीछे की तरह एक्सटेंड कर देना है ठीक है तो हमें जो है फाइनल इमेज हमारा मिलेगा बहुत ज्यादा मैग्निफाइड कंपेयर टू आवर ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ वर्चुअल इमेज ठीक है तो आप बताओ कि इस केस में हमारा जो है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप या फिर डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस क्या होगा दिस इज वी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस यू ऑफ आई पीस तो हमारा एल जो है दिस इज व्हाट वी ऑफ ऑब्जेक्टिव प्लस यू ऑफ आई अभी आप देखो कि वी ऑफ ऑब्जेक्टिव किस किस चीज पे डिपेंड करता है अगर हम लोग लेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये जो है हमारा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव पे डिपेंड करेगा और ये जो है यू ऑफ ओ इस पे भी डिपेंड करेगा ऑन द अदर हैंड ये जो है यू ऑफ ई ये किस पे डिपेंड करेगा ये कम्प्लीटली डिपेंड कर रहा है हमारा इस वाले लेंस के पोजीशन के ऊपर है ना कि हम लोग इसको कहाँ पे प्लेस करेंगे और ऑल्सो किस चीज पे ये इसका हाइस्ट लिमिट क्या होगा इसका हाइस्ट लिमिट विल बी एफ ऑफ ई मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है एफ ऑफ ई पे अभी आप देखो कि जितने भी ये टर्म्स है दिस आर ऑल चेंजेबल मतलब ये जो है दिस आर नॉट कॉन्स्टेंट एंड देपेंड ऑन यू एफ ओ एफ एफ ओ एंड एफ एफ ई है ना इसका मतलब क्या हमारा जो लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप है मतलब डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई लेंस दिस इज वेरिएबल इसको हम लोग आसानी से चेंज कर सकते हैं सो फिक्स इंफिनेट एंड वन मीटर आर रॉन्ग आंसर एंड द करेक्ट एंसर इज वेरिएबल क्लास सिक्स टू ट्वेल्थ से लेके नीट आई आई टी जे मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज डाउनोड करे डाउट नेट ऑप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर